हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों CDTFB की नई क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज मैं कोरल ड्रॉ में इस तरह का कुछ इफेक्ट बनाना सिखाऊंगा। ये कैसे किया जा सकता है देखिए, इसमें देख सकते हैं आप किस तरह से बहुत शार्प और बहुत ही क्लियर एकदम दिखाई देगा आपको, कितना स्मूथ इफेक्ट है। ये देखिए, आप इसको भी जूम कर देख सकते हैं कितना अच्छा एकदम 3D टाइप का एकदम दिखाई देगा आपको, बहुत अच्छा। तो चलिए, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे, शुरू करेंगे आज की क्लास। आज की क्लास शुरू करेंगे तो हम सबसे पहले एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे और यहाँ कुछ टाइप कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ सीमेंट टाइप किया हुआ है तो यही टाइप कर लेते हैं, या कुछ और चाहें यही कर लेते हैं ताकि यही दिखा दूँ आपको, CEMENT। ये हमने टाइप कर लिया सीमेंट, और इसका हम फॉन्ट मैंने लिया है ये बैनर फॉन्ट। ये जस्ट रेफरेंस के लिए है फॉन्ट, इसका और कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ रेफरेंस के लिए है ताकि इस तरह का हम ट्रेस कर सकें। हमें ट्रेस करना होगा, याद रखिएगा इसको। तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट टू कर्व कर देंगे इस तरह, और यहाँ से इसको वेल्ड कर देंगे पूरी तरह। देखिए, ये आपको इस तरह का फ्रेम मिल जाएगा देखने के लिए। तो इससे क्या होगा, हमें सही गाइडेंस मिल जाएगी। मैं इसको सेव करता हुआ चलूंगा बीच बीच में। अब हम इसको ट्रेस करेंगे, थोड़ा सा टाइम ट्रेस करने में लगाएंगे इसको सफाई से। ध्यान से देखते हुए चलिएगा। यहां से मैंने एक नोड ली, यहां ली, यहां ली। मैं इसकी स्नैपिंग ऑफ कर देता हूँ, स्नैपिंग की जरूरत नहीं है, परेशान करेगी ये ट्रेसिंग में। ये यहाँ ली, अब मैं इसको ये सिलेक्ट करके बंद कर दूंगा। शेप टूल लूंगा, हल्का सा इसको शेप देने की कोशिश करूंगा। इसके सेंटर में असल में मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, आइडिया से सी सही लगे जहां भी मुझे, तो मैं वहां इसको थोड़ा सा ट्रेस करूंगा कि मेरे शेप्स अच्छे आ जाएं, इस तरह कुछ। जरूरी नहीं है मैं इसी को फॉलो करूं, मेरा अच्छा आना चाहिए बस। तो थोड़ा बहुत अगर आउट भी होता है इससे तो कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर मैं ये ले लूंगा, फिर यहां से मैं शुरू करूंगा इस तरह, इस तरह, और यहां इसको थोड़ा सा यहां तक ले लेता हूं इस तरह। फिर मैं इसको इस तरह कर लूंगा, फिर दोबारा लूंगा बीजे पेन टूल अपना, फिर यहां से स्टार्ट कर दूंगा इस तरह। ये देखिए, इस तरह लेता हुआ चलूंगा मैं आराम आराम से, मैं चाहूं जैसे ये फ्लो में सही जा रहा है तो मैं इसको वन पीस ही बना लेता हूं। देखिए, यहां से लेकर चलता हूं इसको, तो यहां से ब्रेक नहीं करते ही को वन पीस ही ले लेंगे, क्योंकि ये हमें बाद में भी वन पीस करना होगा, जहां तक चल सकेगा वन पीस। अब ये देखिए, ये यहां है तो हम इसको यहां ब्रेक कर लेंगे। अब हम यहां से नया एंड लेंगे, ये हो गया। अब हम ये ओरिजिनल वाला ये हटा देंगे, अब हमारे पास ये इस तरह का कुछ मिल गया। अब हम इसको कनेक्ट करना है ताकि ये वन पीस का बन जाए, हमें इसे अलग अलग नहीं रखना चाहते। तो हम इसको क्या करेंगे, एक एक करके इनको ड्रैग करेंगे और यहां इससे मिला लेंगे। देखिए, अब स्नैपिंग ऑन कर लेंगे पहले हम ऑब्जेक्ट की, जूम करूंगा इसको, इससे मिला दूंगा, फिर इसको शिफ्ट के साथ छोड़ दूंगा मैं, बाकी इसको इससे मिला दूंगा। ये यहां तक वन पीस है,
इसको हटा दूंगा और इसको इससे मिला दूंगा, इसको हटा दूंगा और इसको इससे मिला दूंगा, ये हो गया हमारा इस तरह। तो ये सारे कनेक्ट हो गए, मैं इसको एक साथ यहाँ से ज्वाइंट कर दूंगा वेल्ड करके, ये सब हो गया। अब ये जहां जहां मैंने इनको कनेक्ट किया है, तो ये देखिए ब्रेक हुआ हुआ है लाइन, गौर से देखिए। तो मैं इसको कनेक्ट करूंगा, शेप टूल लूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इन दोनों नोड्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ इस वाले इससे ज्वाइंट टू नोड्स कर दूंगा। देखिए अब ज्वाइंट हो गई है पूरी वन पीस, तो ये ज्वाइंट करना जरूरी है। देखिए यहाँ ये ज्वाइन नहीं है, तो मैं इसको इसके साथ, ये देखिए यहाँ ये ज्वाइन होगी इसके साथ, क्योंकि एक ये नोड है एक ये नोड है, तो ये दो नोड्स आपस में ज्वाइन होंगी। ये देखिए फिर ये थोड़ा सा शेप बिगड़ा, कोई बात नहीं, ये अच्छा आएगा इसमें। देखिए फिर ये यहाँ पर दो नोड्स हैं, ये तो ज्वाइन है ये ऑलरेडी, तो हमें ब्रेक नहीं करनी है, इसलिए इसको यहीं रहने देंगे। एक ये है एक ये है, हम इसको ज्वाइन कर लेंगे एक साथ। ये देखिए ये हो गई, और इसी तरह यहाँ पर हम इसको ज्वाइन करेंगे, तो ये कैसे होगी, ये देखिए इस तरह हम इसको थोड़ा सा, बल्कि हम इसको वापस करेंगे कंट्रोल जेड, जो यहाँ शेप बिगड़ा था मैं यहाँ तक वापस आ गया हूँ। तो हम यहाँ पर एक नोड और ले लेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ, तो इन दोनों के बीच में, एक इसके बीच में और एक इसके बीच में नोड ले ली, ताकि वो जो शेप बिगड़ रहा था वो ना बिगड़े। ये देखिए अब इसको कनेक्ट कर दिया मैंने, ये हो गया ओके। ये देखिए ये शेप भी नहीं बिगड़ा हमारा, इसी तरह ये सही है। यहाँ पर थी ये नोड, तो मैं एक इसमें ले लूँगा नोड छोटी सी इसके क्लोज, एक यहाँ ले लूँगा और इन दोनों को ज्वाइंट कर दूंगा। ये देखिए तो अब ये शेप नहीं बिगड़ेगा। इसी तरह यहाँ पर एक ले लूँगा नोड, एक यहाँ ले लूँगा, इन दो नोड्स को मैंने टेम्परेरी नोड्स ले ली उनको ज्वाइन करने के लिए, ताकि शेप ना बिगड़े मेरे फोन का। ये देखिए अब ये इस तरह का कुछ हो गया, और चाहें तो इसको इसके साथ कनेक्ट रहने दीजिए, या इसको अलग भी कर सकते हैं, इसको अलग ही कर देंगे हम, यहाँ से डिलीट कर देते हैं ये। ये देखिए यहाँ पर एक नई हम बना लेंगे लाइन इस तरह, हल्की सी इसको कर दे देते हैं, हो गई राइट। अब इसको हम यहाँ ब्लेंड का यूज करेंगे, ब्लेंडिंग। देखिए मैं कुछ अलग अलग तरीके बताऊंगा आपको, मैं एक तो सर्कल बना रहा हूँ, दो ये बन गए दो सर्कल, एक मजेंटा एक ब्लू, ठीक है। आउटलाइन मैंने दोनों की नन कर दी, फिर इसको मैं यहाँ ड्रैग कर नीचे ला रहा हूँ, इसको इस तरह दबा रहा हूँ, एक साइड से मैंने सर्कल रखा है, एक साइड से इस तरह दबा दिया, और इसको हल्का सा रोटेट कर दूंगा, -45 कर देते हैं, चलिए इस तरह कुछ, ठीक है। कलर वही रखता हूँ या चेंज कर देते हैं, चलिए कलर से कुछ ऐसा खास वो नहीं है, चेंज कर देते हैं। फिर एक मैं स्क्वायर बना लेता हूँ, देखिए यहाँ कुछ इसलिए मैं बना रहा हूँ ताकि कुछ आइडियाज आपको समझ में आ सके। मैं यहाँ इसमें रेड यहाँ कर देता हूँ इस बार, और यहाँ ब्लू कर लेता हूँ ये वाला, ये लीजिए, और यही एक बार कॉपी कर रहा हूँ मैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए इसकी मैं शेप कम कर रहा हूँ, अभी स्नैपिंग की ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, परेशान कर रही है मुझे, तो मैं इसको वापस से थोड़ा सा इस तरह, और इसको थोड़ा सा कम, ये देखिए। तो ये लेफ्ट का राइट बड़ा वाला और छोटा वाला इस तरह कर सकते हैं, ये ज़्यादा वाला इधर ला सकते हैं आप, इधर का इधर भी ला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। मैं आपको सिर्फ आइडियाज थोड़ा सा देने की कोशिश कर रहा हूँ। 45 की जगह इस बार 30 कर दूंगा, इसको माइनस करूंगा, मुझे इस डायरेक्शन में नहीं इस डायरेक्शन में चाहिए, और इसको भी 30 कर देते हैं, चलिए माइनस में। और इस बार इसमें थोड़ा सा ग्रेडियंट ऐड कर लेते हैं, इसमें हम ग्रेडियंट क्या करेंगे, हम इसमें लेंगे ग्रेडियंट टूल, इस तरह ड्रैग करेंगे, यहाँ ब्लू ये वाला डार्क ऐड कर देते हैं, एक्सपेरिमेंट करके देखिए इसमें ज्यादा से ज्यादा जो भी कर सकते हैं आप। ये देखिए इसी तरह इसमें मैं कॉपी कर लूंगा, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम फिल कलर की, ये यहाँ से हो गई। अब इनके कलर चेंज कर दूंगा, इसको डार्क रेड कर दूंगा और इसको ये कर दूंगा, तो मैं इसको बाद में चेंज भी कर दिखाऊंगा आपको,
ब्लू के साथ ब्लू भी, चलिए इसको नहीं छेड़ेंगे हम। ये देखिए हमारे पास चार ऑप्शन बन गए। अब मैं इसको एक एक करके ब्लेंड टूल का यूज़ करूँगा, इस तरह इसको इसके साथ ब्लेंड कर लूँगा। इसकी वैल्यू 900 रख दूँगा या 1000 रखता हूँ, ऑटोमेटिकली ले लेगा मैक्सिमम। ये देखिए ये हो गई। फिर इसको यहाँ करूँगा, इसको भी 1000 कर देता हूँ, तो कुछ इस तरह का बन जाएगा ये। इसको यहाँ से लूँगा, फिर इसको भी 1000 कर देता हूँ, तो ये 999999 ले रहा है देखिए। फिर इसको करूँगा 1000 कर देता हूँ, ये हो गई। अभी हमारे पास चार ऑप्शन है, इन चारों की कॉपी साइड में रख लेता हूँ टेम्परेरी में, ताकि अगर मुझे और ज़रूरत पड़े तो मैं ट्राई कर कुछ दिखा सकूँ आपको सैम्पल्स। इसको यहाँ रखूँगा और अब हमें क्या चाहिए, इसका कैनवास बड़ा कर देता हूँ मैं। हमें चाहिए इसकी कॉपी बस एक, इसको मैं एक साथ करूँगा इस तरह, और इसकी दो कॉपीज और ले लूँगा बस। ये देखिए अलग अलग है, ये लाइन अलग है, तो मैं ये लूँगा और यहाँ से पाथ सेलेक्ट करूँगा। ये सब मेरे ख्याल से आपको मैं सब बता ही चुका हूँ पहले भी। ये वाला यहाँ से मैं पाथ सेलेक्ट करूँगा न्यू और इस पर अप्लाई कर दूँगा सिंपली। ये इस तरह हो गया अप्लाई, लेकिन इसमें सही नहीं हुआ, देखिए यहाँ कोई कमी रह गई है। अभी ढूंढते हैं क्या कमी है। यहाँ से शो स्टार्ट पॉइंट करूँगा पहला मेरा, ये यहाँ मैं इसको देखिए इस पाथ पर ही रन होगा ये, इस पर यहाँ आ जाएगा ये। और ये एंड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा मैं इस बार इसका सेलेक्ट करके, नो मैं न्यू एंड पॉइंट ये नहीं करेगा, तो हम इसको शो कर देंगे शो एंड पॉइंट, हम इसको यहाँ एंड करेंगे। देखिए ये नहीं हो रहा सही फिल, देखिए इसमें कमी है, यानी कि ये सही तरीके से जॉइंट नहीं हुआ है हमारे, कहीं कोई कमी रह गई है। अब हम इसको फिर से जॉइंट करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले ये सब डिलीट करेंगे। इसका जॉइंट होना सही तरीके से ज़रूरी है, अगर इसमें इस तरह की कोई कमी रह जाएगी, ये देखिए ये सब डिलीट, ये देखिए जॉइंट नहीं हुआ ये, यहाँ से ब्रेक है ये। ये जॉइंट है, इसको ब्रेक कर देते हैं एक बार और फिर से जॉइंट कर देते हैं। राइट, यहाँ क्या कमी है, यहाँ हम इसको देखते हैं। हाँ यहाँ जॉइंट नहीं है ये, और ये यहाँ जॉइंट नहीं है, तो हम इसको जॉइंट करेंगे यहाँ से और इसको जॉइंट करेंगे। ये देखिए ब्रेक, ये जॉइंट क्यों नहीं है, ये अब जॉइंट हुआ है देखिए सही। और यहाँ ये वन पीस है, सॉरी मैंने ज़्यादा कर दिया स्क्रॉल। अब इसको हम ड्रैग कर कर देख लेंगे, ये जॉइंट नहीं है, ये जॉइंट नहीं है, सबसे पहले हम इसको जॉइंट कर लेंगे यहाँ। अब देखेंगे इसको ड्रैग कर कर, अब ये जॉइंट नहीं हुआ है, अब इन दोनों को जॉइन कर लेंगे। देखिए माउस ओवर करेंगे तो ब्रेक और जॉइन का दिखाएगा आपको। इसको यहाँ बिठा देंगे हम नोट को, और अब इन दोनों को जॉइन करेंगे। पहले ब्रेक कर लीजिए, असल में जॉइन नहीं कर रहा है। हम इसको डिलीट कर देंगे नोट को, और अब हम इसको इसी के साथ ज्वाइन कर देंगे, कोई बात नहीं है। ये देखिए यहाँ क्या पोजीशन है, ये भी ज्वाइंट नहीं है देखिए। हम इनको ज्वाइन कर लेंगे पहले, इसको फिर डिलीट कर देंगे एक नोट को।
जो हमने क्रिएट की थी इसको, ये वाली को डिलीट कर दीजिए और इसको इस वाली के साथ ज्वाइन कर देंगे यहाँ, और इस टी की ये इस तरह हो जाएगा कुछ। अब सही है, अब इसको देखते हैं हम, इसकी कॉपी ले लेते हैं एक और इस पर अप्लाई कर कर देखेंगे हम ये न्यू पाथ। अब भी नहीं हुआ, अभी कहीं कमी, अभी हो गया शायद, देखते हैं। स्टार्ट पॉइंट हमें करना है, शो स्टार्ट पॉइंट, हमें इसको यहाँ लाना है फर्स्ट पॉइंट पे, सी के फर्स्ट। परफेक्ट, ये हो गया। और इसी तरह हमें सेलेक्ट करना है इसको और इसको हमें लाना है यहाँ शो एंड पॉइंट, और इसको हम एंड पॉइंट पर ले आएंगे, ये यहाँ इस तरह आ जाएगा। हाँ, और ये जो हमारा पाथ है हम इसकी आउटलाइन नन कर देते हैं। देखिए, अब आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं काफ़ी कुछ। इस शेप को आप बिहाइंड कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, लेकिन हम बिहाइंड रखेंगे। अब हम इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कलर के ऑप्शन, ये देखिए तीन ऑप्शन दिखाता है कलर चेंज करने के, क्लॉक वाइज है, एक एंटी क्लॉक वाइज ब्लेंड है और एक डायरेक्ट ब्लेंड है। तो हम ये यहाँ से ये वाला ट्राई कर देखेंगे। देखिए अच्छा ब्लेंड बना रहा है कलरफुल, ये देखिए ये और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये वाला यूज़ कर लेते हैं। चलिए ठीक। अच्छा, इसका साइज हम चाहें किसी भी टाइम, हमें बहुत ज़्यादा ये एजेस इसकी बोल्ड भरती हुई लग रही हैं, तो हम इसको छोटा कर सकते हैं। देखिए इस तरह थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। इसी तरह ये लास्ट पॉइंट लाकर कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे, इसको भी छोटा कर सकते हैं अगर आपको लगता है तो। अब हम फिर से इसकी एक कॉपी लेंगे, ये देखिए एक और एक दो, एक कॉपी और ले लेंगे और इनको बिहाइंड कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ, ताकि ये लेयर पीछे चली जाए। अच्छा, हमने ऊपर फिल करना रह गया है, यहाँ भी कर देते हैं ये वाला हमें। अच्छा, ये दूसरा था सर्कल वाला, सॉरी, हमें ये वाला चाहिए। हम इस लाइन में फिल करेंगे पाथ पे अप्लाई। देखिए काफ़ी बड़ा है, हम इसको भी छोटा कर देंगे। इसको ऐसे करेंगे, फिर कंट्रोल के साथ टैब के साथ सेलेक्ट करेंगे ये यहाँ, और यहाँ ब्लू और ग्रीन की टोन दिख रही है, तो हम यहाँ ब्लू और यहाँ ग्रीन टोन इस तरह कर देंगे कुछ। देखिए अब ये मैच हो गया। अब ये नेक्स्ट, नेक्स्ट पर हम अप्लाई करेंगे, इसको डिलीट कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाला ट्राई कर देखते हैं पाथ, ये यहाँ अप्लाई कर देंगे हम। ये देखिए शो स्टार्ट, यहाँ हम आ गए, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे। यहाँ हम टैब के साथ सेलेक्ट कर सकते हैं अगर चाहें तो। देखिए यहाँ पर मैं टैब के, शिफ्ट टैब उल्टा, यानी कि हमें रिवर्स सिलेक्शन चाहिए, तो ये यहाँ हो गया। हम इसका भी कलर इस तरह ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए, देख सकते हैं आप कितना स्मूथली ब्लेंड होता हुआ चल रहा है सब। अच्छा, इसका एंगल भी आप कंट्रोल के साथ, में लास्ट फर्स्ट नोड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंगल को इस तरह रोटेट कर देख सकते हैं आप, इसके शेप्स में चेंजेस आएंगे। ये देखिए ब्लेंडिंग में भी, ये देखिए जिस तरह भी आप करेंगे तो उसके हिसाब से ये ब्लेंडिंग भी चेंज होती रहेगी। इसी तरह यहाँ सर्कल है, इसको अगर थोड़ा सा आप दबा देंगे शेप को, इस तरह हो जाएगा सर्कल को, इस तरह दबा देंगे इस तरह हो जाएगा, जैसा भी आप करेंगे तो ये इस तरह से बिहेव करेगा। यहाँ से कलर अगर आप किसी भी टाइम चेंज करना चाहते हैं, देखिए मैं यहाँ से फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा, स्टार्टिंग पॉइंट, शो स्टार्ट पॉइंट, ये यहाँ से जिस टोन पर भी आप चेंज करेंगे उसके हिसाब से आपको दिखा देगा कि क्या रिएक्शन है इसका, टोन के कहाँ कहाँ चेंजेस बन रहे हैं। आपको जहाँ सेटिस्फाई हो वहाँ इसको छोड़ सकते हैं। इसी तरह फर्स्ट पॉइंट को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए ये वाला हम ब्लू छोड़ सकते हैं, ये दो हो गए। अब आ जाएंगे थर्ड पे, हम ये वाला भी हटा देते हैं। देखिए स्क्वायर वाला करेंगे, न्यू पाथ, इस पर अप्लाई कर देंगे, कंट्रोल जेड करेंगे,
इसको भी बिहाइंड कर देंगे, हम इसको इस पाथ पर रन कराएंगे। यहाँ से शो स्टार्ट पॉइंट, यानी कि हमारा पहला ऑब्जेक्ट जो होगा फर्स्ट स्टार्ट यहाँ से होगा, एंड यहाँ होगा। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे शो एंड पॉइंट, ये यहाँ आ गया। अब इसके साथ हमें थोड़ा सा देखिए यहाँ साइज चेंज कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है ये बोल्ट, तो इसको भी हम लास्ट पॉइंट को थोड़ा सा कंट्रोल आर से करेंगे, या एक पॉइंट छोटा एक पॉइंट बड़ा भी कर सकते हैं आप इस तरह। तो ये थोड़ा सा हल्का सा शेप बदलता हुआ चलेगा, कुछ भी कर सकते हैं आप इसके साथ, बस वेक्टर होना चाहिए इसके। राउंड कॉर्नर कर सकते हैं आप एक के, ये देखिए राउंड कॉर्नर होते ही इसको हल्का सा राउंड, देखिए यहाँ इसकी शेप बदल गई है। इसको यहाँ से इस तरह कर सकते हैं आप, एक्सपेरिमेंट जैसे चाहें कर सकते हैं। ये देखिए बहुत स्मूथली ब्लेंड होता हुआ चलेगा ये। ये टी नहीं कर रहा हूँ मैं, टी का ये वाला पार्ट, क्योंकि आप समझ गए करना क्या है। और इस बार ग्रेडियंट वाले को ट्राई करते हैं, देखिए ग्रेडियंट है ये। ये देखिए ग्रेडियंट वाला और इंटरेस्टिंग बना है। चॉइस स्टार्ट पॉइंट ये मैं यहाँ कर दूंगा, और ये वाला सेलेक्ट करूँगा, इसको यहाँ कर दूंगा। वाह देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बना है, अगर इसी को हम सर्कल पे करेंगे तो और भी इंटरेस्टिंग बनेगा। आप इसको देखिए कैलीग्राफी जैसी फील देगा ये आपको, अगर आप सही तरीके से इसको यूज करेंगे तो। देखिए मैं इसको, ये तो बनना ही लिया, मैंने इसको वापिस करता हूँ कंट्रोल जेड, और इसको सर्कल पे कर दिखाता हूँ, ये सर्कल पे बहुत अच्छा बनेगा। इसको ब्रेक अपार्ट कर लेता हूँ कलर लेने के लिए मैं। देखिए ये मैंने दो ऑब्जेक्ट ले लिए, एक सर्कल दूसरा सर्कल, कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम फिल कलर की और आउटलाइन मैन, यहाँ से कॉपी प्रॉपर्टीज फ्रॉम मैं सभी कर लेता हूँ ताकि आउटलाइन भी ना करनी पड़े मुझे। ये देखिए ये ब्लेंड 1000 तो मैक्सिमम ले लेगा। न्यू पाथ इस तरह, वाह देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे मैन्युअली आप इसको इस तरह कमांड के अलावा, तो शायद इतना अच्छा अचीव नहीं कर पाएंगे आप। ये देखिए मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ यहाँ, ताकि मैं एक और ऑब्जेक्ट इसका पूरा कंप्लीट कर दूँ। ये देखिए ये मैंने फिर से लिया, ये लिया, और इस बार इसको 40 कर देता हूँ, और इसको इस पाथ पर रन करा देता हूँ ताकि ये भी अप्लाई हो जाए। ये देखिए टॉप, और यहाँ इसको मैं रेड कर देता हूँ, रेड नहीं ऐसे ही रहने देते हैं, ये भी अच्छा लग रहा है स्टाइल। देखिए अब इसको सर्कल, अगर आप चाहते हैं आपको छोटे लग रहे हैं, इसका फ्लो और चेंज करना चाहते हैं, तो यहां से शो स्टार्ट कीजिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये देखिए ये बोल्ड हो गया। एंड पॉइंट भी अगर आप चाहते हैं, एंड पॉइंट भी कंट्रोल आर के साथ उतना ही बड़ा या छोटा ही रहने दीजिए, छोटा अच्छा लग रहा है। देखिए कितनी स्मूथ ब्लेंडिंग और कितना अच्छा इफेक्ट बनकर आएगा आपके सामने, आप देख सकते हैं। तो ये आज छोटी सी क्लास थी आज के लिए, ये इफेक्ट आपको कैसा लगा, आप इसको टेक्स्ट की हेडिंग्स वगैरह में या बहुत सारी जगहों पर यूज़ कर सकते हैं, वेब पर यूज़ कर सकते हैं। अगर वेब पर यूज़ करना है या आरजीबी कलर्स में आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग इफेक्ट बनकर आएगा, और बहुत ही फ्लोरिसेंट कलर में वाइब्रेंट एकदम लगेंगे कलर्स। तो आज की क्लास में इतना ही, नई क्लास फिर लेकर आऊँगा। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। Thank you for watching CDTFB. Thank you being a part of CDTFB.